नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि इस महानवरात्रि में आपके घर आने वाली है माँ भवानी। जी हाँ दोस्तों, इन्हें पहचानने में आप बिल्कुल ही भूल ना करें, कि दोस्तों अगर आप इन्हें यश में नहीं पहचान पाएंगे तो दोस्तों आपका जीवन समर्थ समर्थी रुक जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यश में अगर आप इन्हें पहचान लेंगे, इनके स्वागत और सम्मान करेंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि माँ भवानी आपका किस्मत तो बदलेंगे, साथ ही आपके आने वाले भविष्य भी सुधार देंगे। जे दोस्तों यूँ कहें तो अब आपके पास वे बड़े मौके आने वाले हैं, वे बड़े अच्छे दिन आने वाले हैं जो कि आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली साबित होंगे। जे दोस्तों आपको बता दें कि श्री महानवरात्रि के समय अंतराल में आप इन्हें कैसे पहचान कर सकते हैं, कैसे माँ भवानी आपके घर यूँ कहते तो भेष बदल कर किसी अन्य रूप में आपके जीवन संवारने आएंगी। जी हाँ दोस्तों, इन्हें पहचान करना आपका सबसे बड़ा दायित्व होगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे कि यश में आपको कौन से क्षेत्रों को लेकर सावधान रहने होंगे, कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशील होंगे और किन किन क्षेत्रों में कार्य करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। माँ भवानी के आशीर्वाद से आपके घर के माहौल में पारिजन में क्या क्या सुधार, कौन से बड़े चमत्कार होने वाले हैं, तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों जो भी भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ भवानी लिखेगा, गुरु जी का और माँ भवानी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। तो मित्रों जरूर लिखिएगा, और यदि आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों यह समय परिस्थिति तथा समय में तालमेल बिठाकर कार्य करने में आप सक्षम रहेंगे। माता पिता तथा बुजुर्गों के प्रति मन में सेवा का भाव बना रहेगा। विद्यार्थी तथा युवा अपने अध्ययन तथा करियर के प्रति पूरी तरह फोकस करेंगे। दोस्तों उन्नति से संबंधित कोई यह समय शुभ समाचार भी आपको मिल सकता है। साथ ही दोस्तों यश में आर्थिक मामलों में बहुत अधिक जो है ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि दोस्तों अचानक ही कोई बड़ा सा खर्चा आ सकता है। सामाजिक गतिविधियों में थोड़ी सी सावधानी बरतें, यश में किसी भी प्रकार की मान हानि के योग भी बन रहे हैं। दोस्तों कोर्ट के संबंधी मामलों को यश में स्थगित रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में सामाजिक कार्यों में आपको अधिक रुचि रहेगी। सामाजिक कार्यों का हिस्सा बनने की वजह से आपको मानसिक समाधान तो प्राप्त होगा, लेकिन दोस्तों इसके साथ ही और जीवन में आपके बारे में क्या क्या सकारात्मक घटनाएँ हुई है इस बात का भी एहसास होने की वजह से आपके अंदर जो है सकारात्मक भावना यश में जागने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों जो काम पिछले कुछ समय से रुका हुआ है या फिर अटका हुआ था, दोस्तों यह समय उसे पूरा करने का उचित समय होगा। यह समय कोई भी नई उपलब्धि आपका इंतजार कर रही है और दोस्तों आप अपनी योग्यता व फिर प्रतिभा द्वारा उसे पूरा करने में भी सक्षम रहेंगे। परंतु दोस्तों कई बार जल्दबाजी व फिर अति उत्साह में बना बनाया खेल भी बिगड़ सकता है। दोस्तों अपने क्रोध तथा आवेश पर काबू रखें। विद्यार्थियों को यश में अपने लक्ष्य पर जो है पैनी नजर रखनी चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों यश में बेकार की गतिविधियों में समय को नष्ट ना करके अध्ययन पर आप अधिक ध्यान दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। जिन लोगों ने कठिन परिस्थिति में आपका साथ दिया था उन लोगों के बारे में ध्यान रखना आपका भी कर्तव्य बनता है। दोस्तों दूसरों के भले ही आर्थिक सहायता आप ना कर पाए, फिर भी दोस्तों अपने सहयोग द्वारा उनका जो है दुख दूर करना आपके लिए जो है आज के दिन संभव हो सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों संतान की शिक्षा या फिर करियर से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय आप ले सकते हैं। पैतृक संपत्ति या फिर किसी भी परिवार का जो विवाद है, यश में किसी की मदद से सुलझाने का उचित समय होगा। दोस्तों घर के सदस्य की दिक्कतें को हल करने में आपका महत्वपूर्ण योगदान यश में रहने वाला है। इसके उपरांत दोस्तों यश में किसी भी प्रकार की बुरी आदत अथवा नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूर रहें तथा पेशे के लेन देन संबंधी मामलों को भी यश में सावधानीपूर्वक हल करें। दोस्तों पिता पुत्र के बीच में जो है घर की किसी छोटी सी बात को लेकर वैचारिक मतभेद हो सकता है। दोस्तों यह जो समय है आपके लिए बच्चों की किसी विषय में बढ़ती रुचि और उत्साह को आप जो है आपकी प्रेरणा की आवश्यकता होगी, तो दोस्तों यह समय बच्चों को आप प्रेरणा जरूर दें। बच्चे के साथ बिताया समय आपको आनंद देगा और उनको खुद के प्रति जो है आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए जो है महत्वपूर्ण साबित होगा। जिन बातों को जो है आप काफ़ी समय से सीखना चाहते थे, दोस्तों यह समय उन सभी विषयों को शुरुआत करने का जो है उचित समय होगा। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो दिन होंगे,
दोस्तों अपने सकारात्मक दृष्टिकोण द्वारा किसी भी समस्या को आप हल करने में सक्षम रहेंगे। दोस्तों संतान संबंधी भी कोई शुभ समाचार यश में आपको प्राप्त होंगे। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद व फिर कृपा दृष्टि आपके ऊपर रहेगी। घर के देखरेख और पारिवारिक लोगों के साथ में उचित समय भी यश में व्यतीत होगा। इसके उपरांत दोस्तों यह समय जो है किसी भी रिश्तेदार अथवा मित्रों की किसी भी सलाह पर विश्वास न करके अपनी योग्यता पर भरोसा रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों यह समय व्यर्थ के कार्यों में धन व्यय होने के योग अधिक प्रबलता से बने हुए हैं। अतः दोस्तों आवश्यक है कि कोई भी काम करते समय बजट का ध्यान आप अवश्य रखें, ये आपके लिए आवश्यक होंगे। साथ ही दोस्तों इसके उपरांत आज के दिन आपके लिए शुभ समय होंगे। दोस्तों यह समय आर्थिक विषय में जो है सक्षम बनना फिलहाल एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। आर्थिक परिस्थिति में अपना जो है आया सकारात्मक बदलाव आपके अंदर भी बदलाव लाएगा। साथ ही दोस्तों यह समय आपका बढ़ता आत्मविश्वास आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा बनाकर रखेगा। दोस्तों खुद के प्रति नाराजगी को दूर कर पाना आपके लिए थोड़ा संभव होगा। इसके उपरांत दोस्तों यह समय अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यह समय कार्य क्षेत्र में विस्तार की योजना पर काम शुरू करने की जो है काफ़ी हद तक आप कोशिश करेंगे और उनमें सफलता भी प्राप्त करेंगे। दोस्तों अपने जो भी टैक्स संबंधी सभी कामों को पूरा ध्यान में रखें। अगर आप जो है राजकीय सेवा में सेवाकृत हैं तो दोस्तों पब्लिक के साथ व्यवहार करते समय जो है बहुत अधिक आपको सावधानी रखने की भी आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे दोस्तों मीडिया से जुड़े लोगों को आर्थिक सफलता भी यह समय मिलने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके करियर के लिए जो दिन होंगे कार्य क्षेत्र में कोई चुनौती सामने आएंगी। खुद को साबित करने के लिए काफ़ी मेहनत की जरूरत हो सकती है। दोस्तों यह समय जो है बिजनेस को लेकर जो भी योजना चल रही थी वो और अधिक टल सकती है। नौकरी में अपने वसूलों व फिर सिद्धांतों के साथ बिल्कुल भी समझौता ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। यह समय आपके करियर को जो है अधिक गंभीरता से लेने की आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके करियर के लिए आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे व्यापार में विस्तार की योजनाओं को मूर्त रूप देने का उचित समय होगा। दोस्तों फिजूल खर्ची पर जरूर नियंत्रण रखें। किसी अपरिचित इंसान की बातों में आकर अपनी जो है परेशानी आप बढ़ा सकते हैं। नौकरी में पदोन्नति के भी योग यश में बने हुए हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे कार्य क्षेत्र में उन्नति से संबंधित कोई शुभ समाचार आपको मिलेगा। परंतु दोस्तों किसी प्रकार का ठोस निर्णय लेते समय उस पर गंभीरता से विचार विमर्श करना भी आपके लिए अति आवश्यक होगा। दोस्तों कामकाज को लेकर जो की गई यात्राएं यश में सफल रहेगी। नौकरी से संबंधित परीक्षा का परिणाम भी यश में आपके पक्ष में होने वाला है। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों पति पत्नी दोनों एक दूसरे की भावनाओं को यश में समझेंगे तथा घर में सुखद माहौल बना रहेगा। परंतु दोस्तों प्रेम संबंधों में जो है पढ़कर अपने करियर के साथ कोई भी समझौता ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों यश में आपकी और पार्टनर की प्रगति एक दूसरे को जो है आनंदित भी करने वाला है जो दोस्तों यश में रिलेशनशिप में है उनके लिए। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपकी लव लाइफ के लिए समय होंगे। दोस्तों यश में पारिवारिक सदस्यों में उचित सामंजस्य बना रहेगा। संतान की कोई जो है नकारात्मक गतिविधि आपको चिंता में डाल सकती है। दोस्तों आपको मुश्किल समय में मित्रों का पूरा यश में सहयोग मिलने वाला है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे आपके प्रेम जीवन के लिए जो समय होंगे दोस्तों दाम्पत्य जीवन में किसी बात पर जीवन साथी की नाराजगी रह सकती है, परंतु दोस्तों समय रहते आप उसे समझा भी लेंगे। प्रेम प्रसंग आपकी बदनामी का कारण यश में बनेगा तो इस पर ध्यान रखें और इनसे दूर रहने की कोशिश करें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो दिन होंगे पारिवारिक सुख शांति बनी रहेगी। संतान के विवाह संबंधी खरीदारी के लिए पारिवारिक लोगों के साथ सलाह मशवरा भी यश में होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें यानी सेहत की तो दोस्तों यह समय अत्यधिक कामकाज व फिर मेहनत के चक्कर में अपना स्वास्थ्य खराब न करें। समय समय पर उचित आहार और आराम भी यश में आप जरूर लें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। दोस्तों यह समय मानसिकता में हो रहे राह सकारात्मक बदलाव सेहत पर भी अपना असर दिखाएगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे। दोस्तों शारीरिक रूप से कुछ थकान व फिर अस्वस्थ आप महसूस करेंगे, उनमें आयुर्वेदिक चीज़ों का अधिक से अधिक सेवन करना आपके लिए उचित होगा। दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे दोस्तों अच्छी सेहत शाम तक रहेगी, परंतु दोस्तों घर के किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंता रहेगी। यश में लापरवाही बिल्कुल ना बरतें और उचित समय पर इलाज लें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो दिन होंगे दोस्तों अपने खान पान तथा दिनचर्या को व्यवस्थित रखकर आप जो है मौसमी बीमारियों से भी यश में लड़ सकते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं, तो इसका ध्यान रखें। दोस्तों यश में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा गुलाबी और भाग्यशाली अंक रहेगा 9।
जी दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब कोई भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं, किसी अन्य रूप में आपसे कुछ मांग रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो दोस्तों वर्ष में आप जाने अनजान में कोई गलती कर देते हैं, वहीं से ईश्वर आपसे रुष्ट हो जाते हैं। जय दोस्तों, और इस नवरात्रि आपको ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है कि जैसे कि दोस्तों माँ भवानी का अवतार देवी के रूप में है। जय दोस्तों, ये आपके घर किसी न किसी बच्चे के रूप में आ सकती है, भले आपसे कुछ मांग सकती है। शादी दोस्तों इस महानवरात्रि के रूप में माँ भवानी गाय के भी रूप में आपके द्वार पर आ सकती है। अगर ऐसे में वे आपके द्वार पर आ जाए कोई भी गाय, तो दोस्तों उन्हें आप ज़रूर कुछ चारा डालें या फिर रोटी खिलाएं, जो भी आपके घर में हो उन्हें खिलाने के लिए दोस्तों उन्हें आप ज़रूर खिलाएं। यूं ही उन्हें डंडा से मारकर बिल्कुल ना भगाएं। दोस्तों ये सब शुभ घटनाएं होती है, तो दोस्तों इनका आप खास ध्यान रखें। शादी दोस्तों आपको बता दें कि इस महानवरात्रि के शवंतराल में आपको अपने घर में सभी स्त्रियों का सम्मान करना है। जहाँ भी आपको स्त्री देखे आपको उन्हें सम्मान करना है। ये दोस्तों सभी देवियों का अवतार ही स्त्री है, तो दोस्तों इस बात का भी आपको इस नवरात्रि में ध्यान रखना है। दोस्तों अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो दोस्तों माँ भवानी इस नवरात्रि में आपका जीवन को संवार देंगी।